हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तब्बू। मैं तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं एक नई रेसिपी। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कीमा लोबिया। तो यहाँ पर मैंने मेरा स्पून देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून ऑयल लिया है और स्पून एकदम वो वाला है जिससे हम लोग मतलब बड़ा वाला जिससे हम लोग सालन वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े स्पाइसेस डाले। यहाँ पर मैंने 4 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता डाला है और इसको अच्छे से ऑयल में हम फ्राई करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 ऑनियन काटी थी और उसको अच्छे से हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वॉचिंग टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ है और मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। और माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत हैं लेकिन मेरा वॉचिंग टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो प्लीज़ उसके लिए फुल वॉच किया करें वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया था, यानी कि कीमा लिया था, बीफ का कीमा है ये। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब हम इसमें कीमा डाल देंगे और इसको अच्छे से प्याज के साथ हम भून लेंगे। तो गाइस, कीमा लोबिया बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ मतलब कीमा बना रहे हैं बीफ का या गोश्त बना रहे हैं। तो आप इसमें थोड़ी सी वेजेस डालें तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, यानी अदरक लहसुन डाला है और इसको अच्छे से हम देर तक भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की भी स्मेल चली जाए। और अदरक लहसुन हमने डाल दिया है इसमें। तो अब देखें, इसमें यहाँ पे मैंने 1 टमाटर को चॉप कर लिया था, 1 टमाटर को, और इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लेंगे तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है यानी कि लाल मिर्च डाला है, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है। गरम मसाला यानी कि काली मिर्च का डाला है और यानी कि नमक स्वाद अनुसार डालना है। बस इसको फटाफट इसको थोड़ी देर हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने लोबिया को ले लिया था, इसको अच्छे से वॉश करके छोटा छोटा कट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं, तो लोबिया को भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो कीमा में 1/2 किलो लोबिया डाला है और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे हुआ। यहाँ पे मैंने 1/2 कप वाटर डाल दिया है ताकि हमारा कीमा जो है नीचे जले ना और अच्छे से सीटी लग जाए। और यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा देना है और हम लोग इसको 20 मिनट्स पकाएंगे हाई टू लो फ्लेम पे, यानी कि आप 4 से 5 सीटी हाई फ्लेम पे लगा लो, उसके बाद धीमी आँच पे पका लो। देखिए, मेरा कीमा तैयार हो चुका है, तेल भी ऊपर आ गया है और इसको मैं फटाफट भूनूंगी। ये भुना भुना अच्छा लगता है, इसमें मैं कोई पानी नहीं ऐड करने वाली और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कीमा लोबिया की। जो लोग कीमा के बहुत ज़्यादा कीमा लोगों का फेवरेट है तो वो प्लीज़ ज़रूर इसको बनाए, अपने घर में ट्राई करें। और वेजिस को ज़रूर खाना चाहिए। आप लोग सब्जियां नहीं खाते हैं तो इसी बहाने आप कीमे में डाल के अपनी फेवरेट डिश में डाल के बना सकते हैं। तो मैं कुछ देर इसके लिए हाई फ्लेम पे भून के इसका गैस को ऑफ कर दूंगी ताकि तेल हमारा ऊपर आ जाए। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू।